हेलो फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ कूल डाउन एक्सरसाइज कि आप लोग कैसे करेंगे। कूल डाउन एक्सरसाइज इसलिए ज़रूरी है कि जब आप लोग वर्कआउट करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस टाइम क्या होती है, आपकी मसल्स ब्रेक होती है, आपका मसल टूटती है, ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, आप थके थके महसूस करते हैं। लेकिन उस टाइम क्या करते हैं, आप लोग कूल डाउन नहीं करते, जिसके कारण क्या होता है, आप कल के लिए प्रिपेयर नहीं होते हैं, आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव नहीं होती है। अगर आप 5 से 10 मिनट कूल डाउन करेंगे तो क्या होगा, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी, आप कल के लिए प्रिपेयर होंगे। अगर आपको नहीं मालूम है कि कूल डाउन कैसे करेंगे तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेग को ऐसे करेंगे, ठीक है, और आपको इस तरीके से रिलैक्स देना। इसी में क्या इंक्लूड करेंगे, हाथ को ऐसे बना के पंच करेंगे, ठीक है, धीरे 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 सब जगह, ठीक है, काफ्स में कर लेंगे, ये हो जाएगा। फिर इसको अप डाउन करेंगे, इस तरीके से करेंगे। जब आपका 4 से 5 मिनट इस तरीके से हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, दोनों हाथ को यहाँ रखेंगे अच्छी खासी, यहाँ से स्ट्रेच करेंगे अपने बॉडी को, धीरे धीरे स्ट्रेच करेंगे, रुकने की कोशिश करें, ठीक है। जब आप यहाँ होल्ड करेंगे तो यहाँ आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स, आपके काफ्स मसल में इतना जोर स्ट्रेच आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है, आपका कमर भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। जब आपका ये हो जाएगा, एक लेग को क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे और दोनों हाथ से इस बार स्ट्रेच करेंगे, ऐसे पकड़ के नोज को नी पास हटाइए, 1 2 3। अगर आप एक बिगिनर है, अभी स्टार्ट किए हैं, तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, आपकी स्ट्रेचिंग उतनी सही नहीं रहेगी, ठीक है, तो आपको अचानक से झटका देके स्ट्रेच नहीं करना, जिससे क्या होगा, आपको इंजरी हो जाएगी, आपको क्रैम्प हो जाएगी, ठीक है, तो सोच समझ के कीजिएगा। इसको भी वही 3 सेकंड कर लेंगे, 1 2 3। जब आपका ये हो जाएगा तो क्या करना, अपने लेग पैर को क्या करना, ऐसे रखना क्रॉस, देखिए, ठीक है, क्रॉस रखना और राइट हैंड को नी के पास ऐसे टच करना इस तरीके से, ठीक है, टच कर लिए। अब आपको इधर देखना और 5 काउंट करना, 1 2 3 4 5। इससे क्या है, आपके ग्लूट्स मसल पास स्ट्रेच अच्छी खासी आएगी, आपके कमर के पास स्ट्रेचिंग आएगी, ठीक है। सेम यही वाला करेंगे, फिर वही 1 2 3 4 5। जब ये हो जाएगा आपका, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले आपका ऐसे पोजीशन रहेगा और आपको आगे कर देना दोनों पैर को, ठीक है, इससे आपका क्वाड्स मसल पास स्ट्रेच आएगी अच्छी खासी, ठीक है। फिर एक पैर को अप करेंगे, 1 2 3 4 5, फिर चेन, 1 2 3 4 5, ठीक है। जब ऐसे हो जाएगा, ऐसे आपको बैठना है, पैर को ऐसे रखेंगे, ठीक है, और बैठना है नीचे, ज़मीन पर आपको बैठ जाना, ये भी आपके क्वाड्स मसल के लिए सबसे बेस्ट स्ट्रेचिंग है, ठीक है। और आपको 5 सेकंड तक, ठीक है, अब आपको कोबरा पोज करना है, इसमें आपके बैक के लिए 1 2 3 4 5। इसमें क्या करेंगे, अब इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। जब ये हो जाएगा आपका, तो एक लेग को क्या करेंगे, आगे करेंगे और अच्छी खासी स्ट्रेच देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जिनको फुल स्प्लिट करना है, जिनको अपना स्ट्रेचिंग इंप्रूव करना है, तो ये एक्सरसाइज उनके लिए काफ़ी बेस्ट होगी, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी स्प्लिट बहुत जल्दी खुल जाएगी। और सबसे बड़ी बात, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कूल डाउन एक्सरसाइज करते हैं तो वर्कआउट करने के बाद, ठीक है, पहले क्या करेंगे, वार्म अप करेंगे। अगर आप शुरू में स्ट्रेचिंग करते हैं, मतलब हार्ड टाइप से करने लगेंगे, तो क्या होगी, आपको इंजरी हो सकती है। आप तो कब करेंगे, जब आपकी बॉडी अच्छी खासी हीट रहे तब, ये हो गई आपकी। अब वो क्या करना है, कमर पे आते हैं हम लोग, टच करना आपको ज़मीन के पास ऐसे, 1 2 3 4 5। और इसमें ध्यान रखें, बहुत लोग क्या करते हैं, नी को बैंड करते फिर टच करते, इस तरीके से आपको नी को बैंड नहीं करना, स्ट्रेच करना पहले, 1 2 3 4 5। बैक करेंगे, 1 2 3 4 5। राइट साइड, 1 2 3 4 5। लेफ्ट साइड करेंगे, 1 2 3 4 5। इसको आप धीरे धीरे रोटेट करेंगे, 1 हाफ 2 3
फोर फाइव। अब बैक साइड करेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब इसको हल्का सा पुश करेंगे, वन 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 वन, फिर पुश करेंगे हल्का सा, वन 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 वन। अब आते हैं आपके शोल्डर में, ठीक है। क्या करेंगे, इसमें आपका दोनों इन्वॉल्व होगा, आपका कमर भी और आपका शोल्डर भी। हाथ आपका ऐसे रहेगा, वन टू वन टू वन टू। अब इस पर पैर को फिक्स रखना आपको, ठीक है। वन टू वन टू वन टू। अब इस बार रोटेट करेंगे पैर को, ठीक है। वन टू वन टू वन टू। लेफ्ट हैंड यहाँ रखेंगे, ठीक है। राइट हैंड आपका ऐसे रहेगा और स्ट्रेच करना आपको, देखिए इस तरीके से, ठीक है। बॉडी आपका स्ट्रेट रहेगा और स्ट्रेच, कहाँ आपका स्ट्रेच आएगा, आपके शोल्डर मसल में, ठीक है। वन टू थ्री बैंड करेंगे, फिर वन टू थ्री अप करेंगे, वन टू थ्री पीछे, देखिए इस तरीके से, वन टू थ्री। हाथ आपका ऐसे रहेगा, स्ट्रेच करेंगे फिंगर को, और अंगूठा भी साथ में लेना, वन टू थ्री नीचे, वन टू थ्री फिर चेंज, वन टू थ्री फिर चेंज, फिर इधर वन टू थ्री चेंज। अब इसको रोटेट करेंगे, वन टू थ्री चेंज, वन टू थ्री चेंज, ठीक है। मतलब ये लग सीखिए, ये सेम ही वही करेंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवन एट नाइन टेन, ठीक है। आपका कंप्लीट लोअर से स्टार्ट किए हैं, अपर तक आए, अब आते हेड में, ठीक है। हेड आपका सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, हम लोग किससे देखते हैं, आँख से। आँख कहाँ से कनेक्ट है, आपका ब्रेन से। ब्रेन कहाँ से कनेक्ट है, आपके पूरे हेड से, ठीक है। सबसे पहले यहाँ देखेंगे इस तरीके से, और यहाँ दोनों फिंगर से इधर स्ट्रेच करना, वन टू थ्री फोर, फिर इधर करेंगे, वन टू थ्री फोर नीचे, वन टू थ्री फोर। दोनों थंब को यहाँ रख के चिन के पास अप करना, वन टू थ्री फोर, फिर नीचे, वन टू थ्री चिन। अब आपको क्या करना है, रोटेट करना, वन टू थ्री फोर फाइव पीछे, वन टू थ्री फोर फाइव। अब हल्का सा इसको झटका देंगे, वन टू वन टू वन टू वन टू, आपका कंप्लीट। जब आपका ये सब कंप्लीट हो जाएगा, फिर क्या करेंगे, हल्के हल्के किक करना आपको, वन टू थ्री, ठीक है, वन टू थ्री। हाथ को भी वन टू वन टू वन टू, ठीक है, वन टू पूरा अच्छे तरीके से दो तीन बार जंप कर लिए, वन टू थ्री, आपका कूल डाउन कंप्लीट। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। आपकी भाई की वीडियो है, जब आप एक लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम है, या हमसे बात करना है, या आपको अपनी पसंद की वीडियो बनानी है, तो आइए इंस्टाग्राम पे रवि राज रंजन 018 हमारा यूज़र नेम है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें, जिनको नहीं मालूम है कि कूल डाउन कैसे करते हैं, उनको जरूर शेयर कर दीजिए। और जो नए यूजर है, जो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल RRR फिटनेस को सब्सक्राइब नहीं किए, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका भाई का यूट्यूब चैनल है, जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। तब तक के लिए टेक केयर, लव यू, बाय दोस्तों।